मुझे इस वीडियो के 3 मिनट दे दो। अगर आपका शॉर्ट चैनल 2 महीने में वायरल ना हुआ तो बेंच ठोक के कह रहा हूँ, वीडियो डिसलाइक करके जाना। आज के इस टाइम में जब YouTube पे कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ चुका है, काफी सारे क्रिएटर्स आ चुके हैं अपने वीडियोस का कंटेंट को बनाने के लिए, उस टाइम पे अगर आपको अपने चैनल को वायरल करना है तो एक ही ट्रिक निकल के आती है, जो है शॉर्ट्स बनाना। अब शॉर्ट्स में भी काफी सारे क्रिएटर्स हैं, तो उसको देखते हो आपको बेस्ट ट्रिक्स पड़ जाएंगी इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देख लेना, कोई नहीं बताएगा इन ट्रिक्स को, लिख के दे रहा हूँ। पहली ट्रिक है कि आपको आपके चैनल में कैटेगरी को फाइनल करना है। कई सारे लोग नहीं जानते कि कैटेगरी क्या होता है। आप लोगों को अपने वीडियो में कैटेगरी लगानी जरूरी है। आप किस कैटेगरी पे वीडियो बना रहे हैं वो यूट्यूब को आपको उस वीडियो में जाके बताना पड़ेगा। कैटेगरी सिलेक्ट करने के लिए आप अपनी यूट्यूब स्टूडियो ऐप में जाइए, वहां पे जाने के बाद वीडियो को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद एडिट ऑप्शन पे जाइए। वहां पे सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा टैग्स एंड कैटेगरी का, वहां पे जाने के बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। कई सारी कैटेगरी मिलेंगे, जैसे स्पोर्ट्स मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, कॉमेडी मिलेगा, आप लोगों को साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिलेगा। आप लोगों को जिस भी कैटेगरी में आप वीडियो बनाते हो उसमें आप लोग उसमें डाल दो, ताकि जिस भी कैटेगरी पे आप वीडियो बनाओ उन्हीं लोगों तक वो वीडियो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आप स्पोर्ट्स पे वीडियो बनाते हो, लेकिन आपका वीडियो उन लोगों तक जा रहा है जिनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट ही नहीं है, तो ऐसा करने से आपका चैनल ग्रो नहीं होगा। आपको वीडियो केवल उन्हीं तक भेजना है जो स्पोर्ट्स के वीडियो देखते हो, तो आपको अपनी कैटेगरी में स्पोर्ट्स सेलेक्ट कर लेना है। ये था मेन चीज जो आप लोगों को कर लेनी है। सेकंड थिंग ये है कि आपको अपने वीडियो को जैसे तैसे शॉर्ट्स फीड में लाना है। शॉर्ट्स फीड अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं बता दूं, जब आप लोग शॉर्ट्स को स्लाइड करते हो तब जो शॉर्ट्स आते जाते हैं वो शॉर्ट्स जो है आपके शॉर्ट्स फीड से आते हैं, तो उसको देखते हुए आपको अपने वीडियोज को शॉर्ट्स फीड में लाना है। अगर आपके जो व्यूज आए हैं 90% अगर शॉर्ट फीड से आ गए तो गारंटी देता हूं आपका वीडियो वायरल जरूर होगा। मेरे साथ भी अच्छा हो चुका है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। अब शॉर्ट्स फीड में लाने क्या करना होगा, आपको बेस्ट टाइमिंग ढूंढनी होगी आपका वीडियो किस टाइम पे वायरल होता है। मैं कहता हूँ एक हफ्ता लो टाइम चूज करो, रोज अलग अलग टाइम पे वीडियो डालो। जिस टाइम पे आपका वीडियो वायरल हो जाए उस टाइम पे ही रोज वीडियो डालो, रेगुलर डालो। और आप लोगों को कैप्शन बहुत ही ज्यादा छोटा रखना है, डिस्क्रिप्शन में भर भर के आपको हैशटैग्स लगाने हैं, और साथ ही साथ टैग्स लगाना तो भूल नहीं, मैं टैग्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हर वीडियो में मैं बोलता हूँ, और आपको डिस्क्रिप्शन में भर भर के हैशटैग्स लगाने हैं। साथ ही साथ जो टाइटल है वो काफी छोटा रखें, इंप्रेसिव रखें, क्योंकि छोटा सा टाइटल पड़ गया कोई ज्यादा देर तक आपके वीडियो पर रुका रहे। फिर एक और मेन चीज आ जाती है कि आजकल एक काफी ज्यादा ट्रेंडिंग चीज है कि आपको शॉर्ट्स का थंबनेल तो देखने को मिलता नहीं है, उसको देखते हुए आप लोगों को एक येलो कलर की पट्टी लेते हो, उस पर आप लोगों को टाइटल लिख देना, जिससे वो आपका थंबनेल बन जाए, कोई भी व्यक्ति बिना जाने आपके वीडियो पर क्लिक कर दे कि ये वीडियो किस टॉपिक पे होने वाला है। तो ये वो सारी ट्रिक्स हैं जो कोई नहीं बताता है कैटेगरी की, तो मेनली कोई भी नहीं बताता है कि आपको इन सब चीज़ों को यूज़ करना है। ये 3 मिनट अगर आप लोगों के यूजफुल रहे हों तो मैं कह रहा हूँ ज़रूर रहेंगे। अगर आपको ये अगर आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को सफलता ना दिलाए तो डिसलाइक करके जाना बाद में। वीडियो को ध्यान से रख लो याद, 2 से 3 महीने में शॉर्ट्स चैनल गारंटीड ग्रो हो जाएगा। कई सारे क्रिएटर्स हैं, उन सबका रिव्यू सुनने के बाद अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस, मेरे पास ज्यादा तो नहीं है पर जितना है उस एक्सपीरियंस से जो कुछ हो सकता था मैंने आपको सब बताया इस 3 मिनट के वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक करना, इस ग्रोइंग चैनल को सपोर्ट करना अपने सब्सक्राइब का बटन दबा के, और गाइस इस वीडियो को शेयर जरूर से करना। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए कमेंट सेक्शन में बताना, जरूर से मिलेगी। फालतू कमेंट करना मत। उम्मीद करता हूँ सपोर्टिव रहोगे गाइस। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।